नमस्कार, खासखबर.com पर आपका स्वागत है और मैं हूं पलक गुप्ता। आइए हेडलाइंस में सबसे पहले देखते हैं देश की खास खबरें। कश्मीर के अखनूर में घुसपैठ के दौरान एक आतंकी ढेर, निगरानी कैमरे में तीन आतंकी बॉडी ले जाते दिखे। रेसलर बजरंग पूनिया ने पद्मश्री लौटाया, पीएम के घर के बाहर फुटपाथ पर रखा अवार्ड। कर्नाटक में कोविड 19 के 78 नए मामले दर्ज, एक की मौत। सबसे बड़े इलेक्टोरल ट्रस्ट ने भाजपा को दिया 71% चंदा, 10 साल में 360% बढ़ी दान की राशि। प्रियंका गांधी ने पहलवान साक्षी मलिक से की मुलाकात, न्याय की लड़ाई में समर्थन का दिया आश्वासन। सीएम सिद्धारमैया बोले, कर्नाटक में हिजाब पर लगा प्रतिबंध हटेगा। आइए अब नजर डालते हैं राज्य की प्रमुख खबरों पर। जयपुर में 5 से 7 जनवरी तक 58वां पुलिस महानिदेशक महानिरीक्षक सम्मेलन, सीएम ने की तैयारियों की समीक्षा। भरतपुर में अवैध खनन के खिलाफ लड़ रहे बाबा हरिबोल को ब्रेन हैमरेज, मुख्यमंत्री ने पूछी कुशलक्षेम। उदयपुर में बेटे के दुर्घटना की सूचना देकर दो युवक महिला को बाइक से ले गए, सुनसान इलाके में किया सामूहिक दुष्कर्म। कुरुक्षेत्र में अमित शाह ने कहा, भगवद गीता विश्व चुनौतियों का समाधान। आइए अब देखते हैं बॉलीवुड जगत की खास खबरें। फाइटर का दूसरा गाना इश्क जैसा कुछ रिलीज। सलमान की भांजी के बर्थडे पार्टी में पहुंचे सेलेब्स आयुष शर्मा और अर्पिता ने बेटी का जन्मदिन मनाया। आइए अब देखते हैं खेल जगत की खास खबरें। इंग्लैंड महिला टीम श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया के साथ अंडर 19 त्रिकोणीय श्रृंखला खेलेगी। श्रेयांशी ने गत चैंपियन अनुपमा को हराकर क्वार्टर में प्रवेश किया। आइए अब नजर डालते हैं कारोबार जगत की प्रमुख खबरों पर। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 20 महीने के उच्चतम स्तर 615.97 अरब डॉलर पर पहुंचा। महंगाई पर पैनी नजर रख रही है मौद्रिक नीति समिति। आइए अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की खास खबरें। चीन में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 148 हुई। आलोचना के बीच जापानी सरकार ने हथियारों के निर्यात पर प्रतिबंध में दी ढील। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी खबरें विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.khaskhabar.com पर लॉगिन करें, हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें और प्ले स्टोर से हमारे ऐप खास खबर को डाउनलोड करें। नमस्कार।